सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला
राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे सज्जनमिंदो महादेवी सिंह पर सवार होकर के उस दरबार पर पहुंच गई जहां पर हिमाचल और मैना तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन थे। दिव्यांग शक्ति परियुक्तता हमारी महादेवी ने दिव्य शक्ति के लिए प्रकट किया और प्रकट करके ये चाहा इस महान ज्योति के प्रकाश में दोनों का तप खुल जाएगा। आइए ज्योति तीन होती है, एक दिव्य दृष्टि ज्योति होती है, एक पराक्षा होती है और एक अखंड होती है। एक कवि ने कहा ज्योति तेरे नाम की जिस घर में जल गई उसका भी बेड़ा पार हो जिसपे निगाहें पड़ गई। अंग्रेजी कवि ने कहा सज्जनों विजडम एंड दी लैंप ऑफ दी लव, लव रूपी महान ज्योति प्रेम रूपी ज्योति का प्रकाश अगर सामने वाले पर पड़ गया तो वो कितना भी दुश्मन हो पर उसको मित्र बनना पड़ता है। तो सजनों वह दिव्य शक्ति थी, वो दिव्य ज्योति थी, उसका प्रकाश दोनों के ऊपर झलक गया और जब झलका तो थोड़ा सा इनके शरीर में इशारा। सजो देवी जी के पास और क्या है? देवी जी के पास सबसे बड़ा शस्त्र है मोहक। मोहक शब्द आपने सुना होगा, देखा होगा, देखते हो, हर साल दुर्गा जी रखा था। नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी नारी पर नहीं मोह थी, पर जिस समय कुंवर के नवदुर्गों में जब हम दुर्गा जी की स्थापना करते हैं उस टाइम पर हर देवी हर नारी दर्शन करने को आती है और ऐसी कौन सी नारी नहीं है जो देवी जी के दरबार में प्रणाम करते हुए उसके अंदर मन मन नहीं मोहता हो, मोहता है। इसलिए देवी जी के पास में सबसे बड़ी शक्ति मोहक है। महादेवी जी का मोहक जो रूप है स्वरूप है आपने देखा होगा,
आजकल देवी जी के लिए कोई कलाकार कितना भी बना दे, कितनी अच्छी बना दे, पर वो एक हाथ निकाल देता है ऐसा। आप चाहे सभा मन प्रसाद चढ़ाओ, चाहे नारियल चढ़ाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, मगर हाथ आपको ऐसे मिलेगा। देवी के दरबार पर कुछ लेके जाओ, चाहे मत लेके जाओ, पर आशीर्वाद आपको मिलेगा। पर कई लोग दर्शन नहीं करते, दर्शन पर्सन मंजन और पांच चार चीजें होती हैं। कई लोग कहते भैया कि काय कि गाड़ा बारा चली है, कि काय कि दुर्गा जी के दर्शन करेंगे। अब दुर्गा जी के दर्शन तो वहां करे, पर सज्जन अगरबत्ती दो नहीं लगा सके, फूल नहीं ले गए। कि सवेरे पूछी का भैया गाड़ा वारा गए थे दुर्गा जी के दर्शन करने का, देखो कई भैया झंडा चौक की दुर्गा जी बहुत सजी है, बोली वृंदावन आई ला बहुत ही सजी है, जैसी चाहिए वैसी सजी। तो का देखो आपने क्या देखा, सुंदरता आभा शोभा कांति और नासाई से परिक्त होकर के वह महादेवी बैठती है, इसलिए वह सबको मोहक करती है। महिषासुर जैसे महादेवतों को जिसने मोहक बना करके और मधुकेटव को जैसा सम्मान करके और सुम्भ निशुम्भ और चंड मुंड को जिसने मार करके इस पृथ्वी को सम्मान करके देवताओं को राज्य दे दिया, वह महादेवी आज श्री हिमाचल राजा के दरबार पर सिंह पर आरूढ़ करके कहती है जागतो मैनर्धा, जागो जाग जाओ। तो सजनों हिमाचल राजा ने और मैना ने जब अपनी आंखों को खोला तो खोला तो जरूर, परंतु कहते कुछ नहीं, पर राका किसने जो उसे पानी और भोजन छोड़ दिए थे, क्या किया देवी जी ने। देवी जी के पास में सज्जन बिंदु 18 भुजाओं में 18 प्रकार के शस्त्र, जिसमें संकोन मूर्ति चाम परिवर्तित है, जिसमें एक एक हाथ में शंख है। शंख को हम लोग क्यों बजाते, जरा ध्यान से सुनना। भागवत में भी आपने सुना होगा, जब ध्रुव से बोलते नहीं बन रहा था, भगवान विष्णु ने अपना शंख जो था वो गाल से लगा दिया था गल्ल को। तो सजनों बिना पढ़ा ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा, अति स्तुति करने लगा। इसी प्रकार से उस महादेवी ने अपने प्रमुद्र नाम के उस शंख को जब दोनों के गालों में जब लगाया तो सजनों चेतना आ गई। चेत जाओ अलग है, सजनों अब तुमने बहुत कछु कर लो, अब चेत जाओ, पर सजनों चेतना अलग है। चेतना चार प्रकार की बुद्धियों से बना है, प्रज्ञा से, सात्विक से, रितंबरा से, उत्तंबरा से, चार प्रकार की बुद्धि है। जब कहीं चेतना आती है, आइए थोड़ा सा ले आए। रावण के राज्य में विभीषण रहता है और विभीषण को सजनों रावण जब पहुंचा दरबार में तो बोला विभीषण मैं तुझे मेरा जानता था पर तू मेरा नहीं है, तू क्या हो। कहा तुझे मैं चार गलती देखी। विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की हे जगदीश्वर हे महादेवी हे दुर्गा, चार गलतियां मुझ में पक्के में हैं, परंतु इसकी बुद्धि में कुछ विलास डाल दे, बुरा डाल दे, ताकि इसकी बुद्धि मेरे लिए बुरा ना कहकर के अच्छा कहने लगे। तो सजनों या कुलेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, पहुंचती है सरस्वती और रावण की बुद्धि में कुबुद्धि डाल करके बैठ जाती है। हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी पहली गलती कौन सी है। पा कहा पहली गलती ये है कि तेरे घर पर बंदर के पैर उछले मिले, यानी तू बंदरों से प्रेम की हुई। तो कहा महाराज दूसरी गलती, कहीं दूसरी गलती मेरी है, मेरा पुत्र अक्षय कुमार हनुमान ने मार डाला और जब उसको मारने की पारी आई तू कहती है नीति विरोध न मारे दूता, तूने नीति बता दी कि नीति के विरोध किसी को दूत को मान मान। और कहीं तीसरी गलती, कहीं तीसरी गलती यह है कि तेरी कुटी में राम नाम अंकित गृह शोभा, मेरे दुश्मन का नाम लिखे हुए।
और चौथी गलती कई चौथी गलती जाए कि पूरी लंका जल गई तेरो घर बच गो गोरी वृंदावन बिहारी लाल की अने प्रेम के तो कहा पहली गलती मेरी क्या है कि पहली गलती ये है कि तेरे दरबार में बंदरों के पैर उसे मिले तो रावण से विभीषण कहते कि सुनिए मंदर मंदर प्रतिकर सौदा देखे जहते अगड़त योद्धा मेरे घर ने तो पूरी लंका में देख करके अगर कोई का घर पार पावन उछरे हो रावण गया जब देखा सबके घर बंदर के पैर थे क्योंकि सब में घूम करके देखा था। दूसरी गलती के नीति विरोध में मारे दूता तूने हनुमान को बचा लिया का सुनो मैंने तो ज्ञान में लिखा था नीति में लिखा था कि नीति विरोध में मारे दूता दूत को मानना नहीं चाहिए पर बचाया तो तुम्हारे वालों ने कि हाँ विभीषण कह रहा है सब सही कह रहा तो बचाया तुम्हारे वालों ने कई तीसरी पूरी लंका जल गई तेरो घर बच गो कई साहब जिस समय कोई हम रामायण करते हैं या पुराण करते हैं चंदा से जब करते हैं तो जिनका चंदा आया है उनका उनके घर में प्रसाद भिजाते हैं तो आपने बंदर की पूछ में आग लगाने का सब जंगा से चंदा किया था रहा ना घृत बसर घृत तेला किसी घर से तेल आया था किसी घर से कपड़े आए थे जिसके घर से चंदा आया था उसका घर जल गया मेरे घर से चंदा गया ही नहीं मेरा घर जलेगा मेरा घर बच गया और कई चौथी बार कई तू तेरे घर में राम लिखे हैं मेरे शत्रु का नाम लिखे हैं कहीं आप नाराज मत हो मैंने राम का नाम नहीं लिखा मैंने तुम्हारा नाम लिखा है तुम्हारा नाम रावण है इसलिए राम लिख दिया वो घर पर मंदोदरी का नाम मंदोदरी माँ मैंने पीछे लिखे नाम तुम्हारा लिखा उनका नाम लिखता उन दुश्मनों का नाम क्यों लिखूंगा बोली श्री रामचंद्र भगवान की तो सजरो बुद्धियों के अंदर जो प्रकाश होता है वो बुद्धि कुबुद्धि भी बनती है और बुद्धि भी बन जाती है और अगर बुद्धि जो होती है विवेक से अगर उसको साधी जाती है साधन का होती है बुद्धि ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कह दिया अरे बुद्धि को संभालने की साधन का होती है श्याम काम बसे इको अड़ची इका स्थान अड़ी श्याम बसे शब्दों का कोष होता है जब कहीं बुद्धि आपको साथ देती है बुद्धि सबको साथ नहीं देती बुद्धि किसी को कभी कुबुद्धि देती है और कभी विनाशकाली विपरीत बुद्धि कर देती है पर बुद्धि उसकी विवेकमयी होती है जिसका नाम संत है जिसका नाम महात्मा है जिसका नाम ऋषि है जिसका नाम ब्राह्मण है जिसका नाम तो सज्जन बंधु महादेवी ने उसी समय चेतना डाला चेतना चेतना जिसको कहते हैं चेतना ही चेतना चेतना के अंदर पांच प्रकाश होते हैं पहला प्रकाश होता है शरीर में दूसरा होता है विवेक में तीसरा होता है ज्ञान में चौथा होता है चरित्र में पांचवा होता है शरीर इस प्रकार से चेतना जब आई तो सज्जन बंधु उसी समय उन्होंने प्रार्थना की क्या प्रार्थना की या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे महादेवी प्रार्थना की प्रार्थना करने के बाद माता ने कहा बड़े अच्छे शब्दों में कि मांगो राजा जैसा हिमाचल राजा जैसा आज एक बेटी से एक देवी से कुछ मांगे तो बेनर पहले मर गए जो कहीं मांगन जाए और उनसे पहले वो मरे की जिरमुख निकलत ना आए राजा ने कहा मैंने अभी तक मांगा नहीं है देवी जो तुमको देना सो दे जाऊं तो कहा अपने शरीर के अंदर मनोरथ रखो दोनों ने मनोरथ को संभाला अपने मन में वरदान को संभाला तो हिमाचल की हृदय के अंदर यह बात आती है कि मेरे यहां पर पुत्र होना चाहिए और महादेवी मैना के मन में यह आता है कि मेरे घर में पुत्री होना चाहिए तो सज्जनों महादेवी ने देवी मैना ने नहीं महादेवी ने
सौ पुत्र का वरदान हिमाचल राजा के लिए दे दिया और एक बेटी का वरदान केवल मैना के लिए देकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जी। सजनों पहले हिमाचल राजा के पुत्रों की गिनती करें, सौ पुत्र जिनके यहां पर हुए हैं। ये पहाड़ जो है जितने भी आपको संसार में दिखा रहे हैं, इन पहाड़ों की गिनती उन पुत्रों में है जो हिमाचल के पुत्र कहलाते हैं। और पुत्री समयांतर दो बातें लिखी रहती है, गर्वणी सा भवितस्य, गर्वणी सा भवितस्य, गर्भ को धारण करना, और दूसरा लिखा है दसवें मासी मई कन्या रत्न बजाएगी। गर्भ को संभालने वाली नारी जो होती है दसवें मास में उसको जन्म दे देती है, परंतु जो आदि शक्ति है जो महादेवी है गर्भ को तो संभालती है, पर समय आने पर महादेवी मैना को दर्शन करके वह देवी प्रकट रूप में होकर के और मैना की आंखों में दिखा पड़ी कि ये मेरी कुक्षा से ही जन्मी हुई बेटी है। हमारे देवता जो होते हैं वो दोनों रूपों को धारण करते हैं। देखिए श्री राम के लिए लिखा है दशरथ जी रामायण में लिखा है यही सब गर्भ सहित सब नारी, और दूसरा क्या लिखा है भय प्रगट कृपाला। सजनों ये बड़ी विचित्र बात है। तो देवता जो है संसार को दिखाने के लिए गर्भ में स्वरूप लेकर के अंश लेकर के बैठते हैं, परंतु जन्म ना लेकर के प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैना ने उस बेटी का समाल और सुंदर झूले पर झूला करके उस बेटी की सेवा की। जहाति स्वाम सुंदरम या युगताम चाम पायता दृष्टं से यस्य महाकीड़ाम शांतियुक्तम प्रक्षये। उस महा बेटी के दर्शन करके पूरी अवसर को पा करके और मैना प्रसन्न हो जाती है, और धीरे धीरे चंदन की झूला पर उस बेटी को जब झुलाया गया तो सज्जन बंधु जगह जगह से साधु संत मुनि महात्मा ऋषि आकर के दर्शन प्रसन्न मंजन और पान करते हुए अपने जीवन का लाभ उठाते। आज महादेवी आ गई, किस प्रकार का शरीर है, ओंठों में लालिमा है, सुंदर सुदौर जिनका शरीर है, सुपत्रता को धारण किए हुए है, सुंदर केसरिया जिनके बाल है, चमकीली जिनकी आंखें हैं, सजनों कर्णान्योग्यम वरिष्ठ सुंदर कान है, सुंदर पैर है, तलुआ पर लाली छाई हुई है। इस आदर्श महामूर्ति को देख करके हृदय में अति प्रेम जाग जाता है। समय आया श्री हिमाचल राजा ने नारद जी की याद की, नारद जी की याद की, समय आया। क्योंकि सज्जन होता भी है कि नारद जी की याद हमारे वेद पुराणों में अधिक आती है, और नारद जी कभी कभी तो अच्छा बन जाते हैं और कभी कभी बुराई बन जाती है। एक बार नारद जी जा रहे थे और जाते हुए नारद के लिए श्री शंकर भगवान ने देख लिया। शंकर भगवान बोले नारद जी कहां जा रहे हो? अरे कहा भाई भोलेनाथ हमारा तो ऐसा रहता है कि कहीं पर जाना आना रहता है, और जब कोई भक्त बुलाता है तो हम आ जाते हैं। तो सज्जन बिंदो उसी समय नारजी ने जब गए नारजी ने कहा कि भोलेनाथ किस लिए बुलाया तुमने हमको? का इसलिए बुलाया है कि थोड़ा सा सत्संग कर लो आप। नारजी से कहा थोड़ा सा सत्संग कर लो, सत्संग इसके कारण चश्मा चकमका रहा है।
और जो हम सामने ले ले से तो उजरो नहीं ले सो ना पजामा तो मेरो चश्मा नहीं लग पा रहा ठीक है नहीं लगे मन जो तो जरूर चले हर हर लड़ तो नाजी से कहा कि नारी थोड़ा सत्संग कर लो सत्संग कहा जी मैं नहीं जाऊंगा सत्संग कहा से कहते नाजी से कहा सत्संग करोगी क्या कहो कि वो कुत्ता के कान में जाके कहो बैठा कुत्ता बैठा ना कुत्ता के कान में कहो कि मैं सत्संग करना है जैसे कुत्ते के कान के जोरे कहा मुझे सत्संग करना है उसी समय कुत्ता है जो प्राणहीन हो गया मर गया कहा जी मैंने कहा सत्संग करना कुत्ता मर गया ये बोले ना ये क्या करे आप ये पाप मुझे लग गया अरे कहा ये बच्चा बैठा ना बच्चा बछड़ा इसके कान में कहो कि सत्संग करना जैसे कुत्ता जैसे बछड़ा के कान में कहा कि सत्संग करना है उसी समय बछड़ा भी मर गया सबरी देवता इकट्ठे हो गए कि नारद जी ने बच्चा मारा कहा महाराज जी पाप मुझे क्यों लगा अरे कहा सत्संग करना था तो कहा जी बछड़ा मर गया पाप काटो तुम तुमने जो पाप पाप किए तो भाई काटो तो सज्जनों नारद जी ने परकम्मा लगाई देवताओं के दर्शन पर्शन करे मंजन पार करो जब कहो गंगा यमुना जमुना में गए जब कहो वो पाप कटो नारद जी ने संकल्प कर लिया कि अब मैं जिंदगी भर शंकर भगवान के जोरे नहीं जाऊंगा पास नहीं जाऊंगा अगर बुलाएगा तो नहीं एक दिन की बात है कि नारद जी घूमने के लाइन जा रहे थे और बरिया के नीचे शंकर भगवान पर बैठे थे आओ नारद हर का दादा हम मरे बुरी मारे अजाओ नारद जी कहां जा रहे हो हो गो कहा नारद जी सत्संग करना है कहीं नहीं जी मोह नहीं करने वो सत्संग अरे कहा तू कर कहा क्यों कहा कन्नजपुर में जिसको आज कानपुर कहते हैं कन्नजपुर जो है वहां पर एक राजा के बहुत दिनों में एक लड़का पैदा हुआ है उस लड़का के पास जाकर के कहना उसके कान में कि मुझे सत्संग करना है कि दादा बच्चा मर गो कुत्ता मर गो और अगर वो मोड़ा और मर गो तो हाथ पांव टूट जाए जाके पहुंचा नारद जी धीरे धीरे गए पर शंकर जी की बात तो माननी पड़े बहुत से दर्शन अभिलाषी खड़े थे बोला के दर्शन के लाने गए थे नारद जी झूला पे पहुंचे चंदन के और जाके धीरे से यहाँ वहां देख दाग के क्योंकि देख तो नहीं रहो और मोड़ा के कान में कह रहे कि हमें सत्संग करने तो मोड़ा ने कही वो छोटे से लड़का ने कि काय कुत्ता के कान में सत्संग की बात करी वो मर गो और बागेबाज जब तुमने बच्चा के कान में सत्संग की बात करी वो मर गो सत्संग से अब वो बच्चा मर गया मैं पैदा हो गो जो सत्संग अब तक हम नहीं है परे दादा अब इसके बाद में कभी जिंदगी भर सत्संग करूंगा बच्चा को सत्संग की बात की कुत्ता को सत्संग की बात करी बछड़ा बन गया और बछड़ा सत्संग की बात करी तो मनुष्य बन गया तो अब मैं जिंदगी भर सत्संग करूंगा सज्जनों सत्संग जो होता है सबसे बड़ा होता है सत्संग क्षण भर के लिए अगर किया जाता है तो आपके लिए घंटों का लाभ देता है नारद जी के लिए बुलाया नारद जी नरोद्याम यस्यम यद्यामी चाम समत्व नारद जी आए नारद जी ने उस समय वैभव देखा वैभव को प्रणाम किया महादेव को झूले पर बैठे हुए देख करके दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन किया या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः वंदना की आराधना प्रार्थना सजनो नारद जी ने खुशियाल देकर के बेटी को आशीर्वाद को दुआ दिया पर कहा मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो उत्सुकता तीन जगह होती है जिसके यहां पर एक ही बेटी होती है पर भजन याद करना सजनो बेटी बहुत अच्छी होती है भजन करत लड़की भली हरि बिमुखुन नहीं पूत श्रीबिरी तो हरिधाम गई और धुंध काली भय भूत
तो तीन बातें होती है सजो, कन्या को पाकर के तीन चीजें आती है पिता के मन में। एक तो उसका भाग कैसा है, उसका नाम कैसा है, और सज्जन बंधु एक और देखता है कि उसकी पति रेखा कैसी है। हर पिता अपनी बेटी को अच्छे घर में भिजाना चाहता है और धनाढ्य घर में भिजाना चाहता है। बेटी को कमजोर कहीं से नहीं रहने देता। एक बार हमारे गुरभैया थे, हमारे पाठशाला के पढ़े, बोले का भैया तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं? हम कि तुम्हारे कितने हैं? कि हमारे एक मोड़ी है। हम ये कहिए कि उनकी ब्याह भी हो। और कहीं हमने वहा ऐसे घर में दई है, कब कभी घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। अरे तो सुख है भाई। हम कि भैया एक आध दिन चले यहाँ देखे तो कम से कम बमोड़ी बहुत दिन से नहीं देखी। हम जाके पहुंचे सजनों, तो जैसे सामने कुंवर के सामने पहुंचे तो आठ हफ्तों भैंसे कसी थी, और जो अंदर गए तो बीस एक आदमी को परिवार थो। तो आठ भैंसों को गोबर फेंक फाक के बीस आदमियों की रोटी बना था। उनकी सही कह रहा है तुमको बाहर तो बाहर निकलने मौके ही नहीं गई। बोली वृंदावन में भैया बाको बाप नहीं कर सके बाप। तो हर हर नर्मदे। तो सज्जन बंधु उसी समय नामकरण संस्कार वाली बात आने वाली थी। तो सज्जन क्या नाम रखा? यथार्थ करिए। कुंडली के अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है भबो, एक होता है भयात, एक होता है स्पष्टीकरण। तीन चीजों को जब तक मिलाते हैं, जब तीन चीजों को मिलाने पर लग्न बनती है, और लग्न से चंद्रमा निकालते हैं जब नाम बनता है। आजकल पंडितों की तो हम नहीं कह सकते कौन कैसा है कुंडली मिला दे, परंतु हमारे यहाँ हमारे बंसी दादाजी दादाजी जो थे, हमारे द्वारका प्रसाद जी जो दादाजी थे, उनकी कुंडली हो सकता है कहीं और मिला है तो मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कि बड़े बारीक और बड़े स्वरों में उन्होंने कुंडलियों को बनाता। तो सजनों, इस महान महीने में जन्म ली हुई उस बेटी ने सुंदर नाम की चंद्रमा को जब निकाला तो नाम निकलता है, पहला नाम निकलता है सज्जन बंधु उनका गौरा, दूसरा अंबे, अंब के अंबालिके। हमारे वेदों में है अंबे अंब के अंबालिके नमा नियति कश्चनो। दूसरा श्लोक है गात्री त्रिष्टुप जागत्या नुष्टुप पंक्तिया सह बहतिया काकुल सूची भी साम्यान। तीसरा इसमें मंत्र है अद्व्या संवृता पृथ्वी रसा चब्बिस्त करुणा समावृता ताग्रे तस्व तुष्टा वेदत रूप मेघ जल मतस्व देव तुमा जान मद्रे। तीन प्रकार से निकला नाम। चौथा जो नाम स्थाई था, जो रहना था, जिससे संसार पार लगता है, जिसके देख और रेख क्रिया और कांड, जिसके दर्शन और प्रसंग से संसार जो चल रहा है वो नाम लुका है, उसका नाम है पार्वती। तो सजनों, पहले के जमाने में नामों से, महीनों से, चंद्रमा से नाम निकालते थे। आज विचार करिए, आज के जमाने में भी ऐसा होता है। मैं बता रहा हूं आपके लिए यहां से, जो जो महीना में जन्मा हो ना, जिसका जो महीना में जन्म हो वो जरा याद कर ले बाबा वैसे गुण है कि नहीं। अरे चैत को विचित्र हो तो चैत को विचित्र हो तो प्यारो बैसाख को चेत को विचित्र हो तो प्यारो बैसाख को और चेत को जिठाई हो तो बात बना लेत है।
तक को भक्त हो तुम। अखन को जो आलसी पेट भर खा लेते हैं, चेत को विचित्र होत प्यारो बैसाख को, और जेठ को जिठाई होत बात बना लेत है। आगरो असाढ़ को सूर होत सावन को, भादों को गुण गंभीर विद्या पढ़ लेत है। कुंवर को कमैया कातक को भक्त होत, अगन को आलसी पेट भर खा लेत है। पूस को अमान होत, माघ को मल्ल होत, फागुन को मस्करा और मस्करी कर लेते। चेत को विचित्र प्यारो बैसाख को, जेठ को जिठाई होत बात बना देते। सजनों, जो 12 महीना में जहां जन्मते उनमें ये गुण होता है, और दिनों में दिन को भी अलग ज्योति से, आदित को खरो, आदित को खरो यानी इतवार को खरो, सोम को सुशील, मंगल को रूप बिहारी, बुद्ध को शुद्ध, गुरु को भक्त, शुक्र को चोर, शनि को रोवावे बांबे ताजी। तो सज्जन बंधु, श्री नारद जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ, और नाम यथागुणा तथागुणा, जिसमें जो नाम का जो नाम होता है उसमें उसमें गुण होते हैं, और जब गुण होते हैं तो गुण का मतलब ही पूज्य चरित्रवान बनते हैं। महादेवी का नाम पार्वती हुई। आज के समय में एक माता राम ने अपने मोड़ा को नाम रख लो कूर। माता राम ने पंडित के द्वारा नाम रखो बूढ़ा को कूर। अब्बा से गांव भर कह रहा है कूर 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 कूर, मेहतारी की जोर है कि तू बड़ी खराब है, कि काय कि तूने बता मेरे कुत्तों जैसा नाम रखो जो कोई कूर 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 पूरे गांव चिल्ला। कही बेटा मेरे लाने जैसो नाम आ तो वैसो मैंने रखा दो, अब जैसो तू रखाने हो तू रखा दे। तो सज्जनों, भगत भगत जा रहे तो उतने से लंबी धोती पहने हाथ में कुंडी धरे कोई चले आ रहे थे कि भैया तेरा नाम का है? कि मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। और आगे चले हाथ में पन्हैया रखे तो कहूं गिर रहा हूं, कहूं उठ रहा हूं, कहूं दरी में धोती फट रही कि भैया भगवती तेरा खड़ो तो हो जा, तेरा नाम का है? कहा मेरा नाम है सूर। का सूर भगरव हिजाब का मतलब मौका पड़ोगे। और आगे बढ़े तो एक अर्थी जा रही थी, अर्थी बामे एक भैया पड़े थे जो खत्म हो गए थे, वे छठी रोक के उन्हें अर्थी रोक के कहा भैया तुम तो अच्छे से आज ले जा रहे हो, पर जहां पर जो सो रहा हो बाबू नाम का है? कई बाबू नाम तो अमरलाल। कई का कि अमरलाल हो कि बरगो के जागो का मतलब लक्ष्मी नारायण भूखो मरे भागत फिरे सूर, और अमरलाल से मर गए हम बने कूर घरे चलो ते मशाल। तो सज्जन बिंदु नाम से कुछ नहीं है, नाम तो कुछ भी रखा लेते हैं। हीरा लाल नाम रेलवे में केवला भी हर हर नर्दी हीरा नाम, ऐसा नाम कुछ काम का नहीं। सजनों काम वो है परोपकारी बन भी ले आओ, नीचे पड़े भारत को उठाओ। हे मित्र त्यागो मन मोह माया, नहीं रहेगी ये नृत्य काया। बुरा की अच्छा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, और बिना विचारे यदि काम होगा तो कभी ना अच्छा परिणाम होगा। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। न सज्जन बिंदु शरीर के अंदर कोई विकार जो होता है वो काम बिगाड़ देता है, पूरा शरीर भूखता है। इसलिए नाम नाम जिसका अच्छा होता है, नाम जैसा भी होता है, पर कर्म उसके अगर अच्छे होते हैं तो सुधार अपने आप उसकी बुद्धि से हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एक आम का वृक्ष था और आम के वृक्ष पर लिखा था कृपया इसमें इसके फलों को ना गिराना। क्या लिखा था?
कृपया इसके फलों को ना गिरा। कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, एक ने उठाओ डिगला और जो मारो आम गिराओ, अच्छा पको आम गिर गए। अब विचार करो पको आम जब गिरो तो पके आम के लाने जैसे हाथ में लाओ है और वैसे वो आम को धनी आओ मारे एक लठ पीठ में दो। अब कर्म को बांटो यहां पर, कि आम की गलती हाथ की गलती थी कि आम उठाया, मुंह की गलती थी कि उसने खाया, जीभ की गलती थी उसने स्वाद लिया, और पेट की गलती थी उसने पेट में प्राप्त किया, और सज्जनों पीठ में जब लठ लगा तो उसी समय आंखें रोई, बताओ गलती कौन न करी की रो रही है, हर हर नर्मदे। इस प्रकार से बुद्धि का योग अपने शरीर में धारण कर नाम के हिसाब से अपने शरीर के लिए बना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई पाप पापाचार दुराचार ना हो पाए। सज्जनों सुंदर पार्वती नाम रखा, पार्वती क्या होता है, पारांग प्रदीम चाम वर्तिता, जो सन्नाम लेने से संसार को तार दे उसका नाम पार्वती। पारंग तो यश पर्वता, जो पारंगत होकर के पति रूपी पर्वत के लिए हिमाचल पर्वत जैसे का नाम संसार में ऊंचा कर उसका नाम पार्वती। याद रखो बताओ, मातेश्वरी श्री पार्वती ने सर्वसौख्यम वर्तते सबको श्रृंगार बताया। आज के समय में सज्जनों 16 संस्कार मनुष्यों के होते हैं और 16 श्रृंगार नारियों के होते हैं। नारियों से अगर पूछा जाए कि माता हो 16 श्रृंगार क्या होते हैं, तो माता कहेंगी पांव में बिछिया और वो पांव के लाने पूतले सब कैसे माँ हो, बाकी बात में कानों में बढ़िया करण फूल डाल ले, गले में मंगल हार डाल लो, अच्छो चौड़ो किलो दो किलो को कटोरा पहन लो, अच्छी धोती पहन ली, अच्छी चुटैया कर ली, सब कुछ कर लो। सज्जन बिंदु क्या हो गया, कही गुरु जी ये श्रृंगार नहीं, सज्जन ये श्रृंगार नहीं। अगर श्रृंगार अगर देखे जाए तो भारतीय संस्कृति में श्री पार्वती अनसुईया ने जो श्रृंगार की गति बताई वो पकड़ो। दिव्य वसन भूषण पहराए जे आभूषण बताए, कौन सा श्रृंगार बताया। अनसुईया ने सीता को पास में बुला करके कहा, बेटी ये संसार की जितने आभूषण है ये आभूषण है, श्रृंगार क्या है, का श्रृंगार है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद और प्रेमा, ये है श्रृंगार। वृद्ध रोग बस जड़हीना, चाहे पति वृद्ध हो बूढ़ा हो, बद्ध रोग बस चाहे रोग बस हो कोड़ी हो, बद्ध रोग बस जड़ जड़ ना मूर्ख हो, बद्ध रोग बस जड़ धन चाहे धन से हीन हो, अंध बधिर चाहे वो अंधा हो चाहे वो बेधर बहरा हो, अंध बधिर क्रोधी अति क्रोधी भी अगर हो अति क्रोधी हो, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाई यमपुर दुख नाना, ऐसे पति का जो अपमान करते हैं वो यमपुर में दुखी आचरा भोगते हैं। अगर ये श्रृंगार अगर पाया है
तो पार्वती के द्वारा ही पाया है सज्जन बिंदो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में केवल पति की चरण बिंदो का लोक करते हुए जीवन सफल बनाया। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। नाथ जी ने कहा, हे मैना, हे माचल, नाम तो पार्वती हो गया, गुण भी सब अच्छे हैं, हाथों की जो रेखा है वो सब सुंदर है, मंगलिक है, आनंदमयी है, पर एक रेखा बिगड़ गई। रेखा सजनों, हमारे हाथों में रेखाएं हैं पर रेखा कोई देख के जानता नहीं है। काय की एक ही रेखा जानत से, काय गुरु जी मेरे हाथ में धन है का नहीं, बस एक ही रेखा जानत से, गुरु जी मेरे हाथ देखियो मेरे हाथ में धन है का नहीं, अरे धन क्या करूंगी, धन ये अमर यू जाएगा जिस विद उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज जो सुख चाहे भरपूर, धन और रेवन जवानी ये तो कपूर की पुड़िया जैसे उड़ जाते हैं। अगर हाथ में अगर तुमको दिखवाना है तो मेरे हाथ में राम की भक्ति है कि नहीं, हनुमान की भक्ति है कि नहीं, दुर्गा की भक्ति है कि नहीं, ये देखो। तो सज्जनों, नारद जी ने हंसते हंसते एक बात मुंह से निकाल दी, मुख से जो बात निकली है नारद जी की, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर नर्मदे, नारद नैव संप्रष्टो। नारद जी ने प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होते हुए, हर्षायमान होते हुए, पुलकायमान होते हुए, आज मने मम भाग्यम, मेरे बड़े भाग्य कि मैं आज उमा अंबिका महादेवी के हस्त कमलों में उन रेखाओं को देख करके हिमाचल राजा और मैना को प्रसन्न कर रहा हूं। हिमाचल राजा, तुम्हारी बेटी का जो हाथ है वो परम पावन है, पवित्र है, पवित्रस्तो वैष्णव सूत्रवाह पिशनी मात्र सूर्यस्तमी तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्तुनी तक्षकी अम्मा। सूर्य नारायण से भी अधिक पवित्र है, ज्वालामुखी है, सर्व रेखा ठीक है, पर एक रेखा जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। नाथ जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहा कैसे आएगी समझ में, कहा मुझे ध्यान करना पड़ेगा। नारद जी ने उसी समय ध्यान किया, किसका ध्यान करते, तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। हे जगदाधार अकल भुवनेश वैकुंठ के बिहारी, मैं आज उमा अंबिका के हाथ के लिए और हस्तरेखा का परिपूर्णता ज्ञान श्री हिमाचल राजा के लिए दे रहा हूं, इसलिए मेरे हृदय के अंदर वह ज्ञान नहीं आ पा रहा है, इसलिए ज्ञान को भिजा दो ताकि मैं उस हस्तमा का कमल रेखा के लिए बता सकूं।
सर्वस्य जगन मध्य देही अमांसाम भवितो। नारद जी ने जो मांगा भगवान के पास मिलेगा, भगवान के पास तो मिलता है, पर भगवान को हैरानी हो गई कि ऐसा ना हो कि अंबिका उमा भवानी का हाथ देख करके कहीं नारद परेशान ना हो जाए, क्योंकि परेशानी बहुत जल्दी घेर लेती। एक बार की बात है कि नारद जी के हृदय में एक घृणा उत्पन्न हो गई जिसको कहते गिलानी, और गिलानी जब उत्पन्न हुई मनुष्य के अंदर, एक घृणा और गिलानी जब दो चीज पैदा हो जाती हैं सज्जनों, तो हमारी बुद्धि का वो अवरोध कर देती है, बुद्धि को रोक देती है, हमारी भक्ति को रोक देती है, शक्ति को रोक देती है। तो गिलानी हो गई। क्या गिलानी हुई कि ऐसा कैसा भगवान है, ऐसा कैसा भगवान जिसकी पत्नी 16108, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान उसको कहते हैं ये काम नारी सुचि योग्यम सभ्यताम तासो चाम गिरा। एक नारी को अपने जीवन में अपना करके पार हो जाए वह सत्य माना जाता है। समय आने पर नारी, नारी के बाद दूसरी नारी, तीसरी नारी, चौथी नारी, इस प्रकार से नारियों का संग्रह करने वाला कभी ना मानव बन सकता और ना भगवान बन सकता। सज्जन बंधु है भी एक बादशाह राजा के, एक बादशाह राजा ने सकुमारता में बहुत सी नारियों के साथ में भाई कर डाली। बोला मंत्री से, मंत्री से बोले मंत्री कहा तुम्हारी बेटी के साथ अब मैं विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा जिंदगी भर सेवा की, अब ये मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। रोने लगा, घर जाकर के पूछता अपनी बेटी से, कहा बिटिया राजा तुझे पत्नी बनाना चाहता है। बेटी ने कहा कौन सी बुरी बात है, पिता का काम है नारी बेटी का दान देना, मैं तो राजा के घर जा रही हूँ, पर एक बार ये पूछ लो राजा साहब से। कहा क्या पूछ, कहा एक बार ये पूछ लो कि मेरे हाथ का भोजन पहले वो करे जब मैं उसकी पत्नी बनूं। राजा साहब हमारी बेटी का कहना है कि एक बार भोजन कर लो हम आपको पति मंजूर कर ले। कहे ठीक है मैं चल रहा हूं। तो कहा वो आ रहे हैं। बेटी ने उसी समय क्या किया, चावल जिसको भात कहते हैं ना, भात बनाया और भात बन करके छप्पर कटोरियों में रखा और उनमें कीमे लाल पीला नीला हरा रंग भर दिया। जैसे ही राजा साहब भोजन करने के लिए आए वो थाल रख दी। राजा ने थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका भोजन किया, पूरी कटोरियों का भोजन कर लिया। जब हाथ धोए तो बेटी पूछती है वो जिसकी पत्नी बनना चाहती, क्यों राजा साहब? कहा, कहा तुमने 56 प्रकार के मैंने भोजन बनाए थे, सबका स्वाद लिया, कर लिया, कैसा लगा? कहीं एक सा जो इसमें था भूस। तो कहा तुम क्यों मर रहे हो, ये इस नारी पर उस नारी पर संसार के अंदर अपना मोह, अपनी पवित्रता, अपनी जड़ता, अपनी मानवता के लिए क्यों खो रहे हो? उसी समय राजा को ज्ञान आया, हाथ जोड़ लिए। तो सज्जन बिंदु भगवान को घृणा हो गई, यहाँ नारद को घृणा हो गई। नारद जी ने कब विचार किया ये 16108 नारियों के साथ में कैसे रहता होगा, तो चले गए द्वारका में, जिस कोठे के अंदर जो भी देवियां रहती थी हर कोठे के अंदर देखा, जाकर के रुक्मणी के यहां पर देखा तो रुक्मणी स्नान कर रही है, भगवान हाथ में कपड़ा लेकर खड़े। जामवंती के यहां पर गए तो जामवंती स्नान करने के लिए बैठ रही है, भगवान पानी ढूंढ रहे हैं। अब तो नारद जी ने विचार किया ऐसा कैसा भगवान। दूसरी जगह पर गए तो सज्जनों सत्यवती के यहाँ पर गए, एक बच्चा जो है, बालक जो है वो मन